सर आज आप यहाँ पे आए हुए हैं और आप इंसाफवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, सर क्या कारण है जो आप यहाँ पे आज आए हैं? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस उत्तर प्रदेश जो भी प्रेस क्लब जिसे कहते हैं लखनऊ में, तो आप लोगों का भी स्वागत है कि आप हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए, शुक्रिया, धन्यवाद। और इंसाफवादी कांग्रेस पार्टी हर समाज के मजलूमों की लड़ाई लड़ने के लिए काम कर रही है, और जो खास तौर से उपेक्षित समाज है, पीड़ित समाज है, मजलूम समाज है, मुस्लिम समाज उपेक्षित हो गया और बिल्कुल पीड़ित से पीड़ित हो गया और निचले पायदान पर चला जा रहा है, ऐसे में ज़रूरत है कि इनकी आवाज़ को उठाया जाए, इनकी बातों को कही जाए। इनका वोट तो लोग ले लेते हैं लेकिन इनके बोलने के लिए खड़े नहीं होते। अगर बोलने के लिए खड़े भी होते हैं तो नफरत वाली बातें कर देते हैं, जिससे हिंदू और मुसलमान के बीच में बंटवारे की बात करते हैं। हम भाईचारा बना करके, समाज को जोड़ करके, हर वर्ग को जोड़ करके इंसाफवादी कांग्रेस पार्टी एक संगठन बनाना चाहती है। जिस तरीके से जो मानसिकता अंग्रेजों से लड़ने के लिए की गई थी, आज वही मानसिकता भ्रष्टाचार और नफरत के खिलाफ लड़ने के लिए ज़रूरत है, करनी पड़ेगी। एक पिता माँ की संतान, मिले हक सबको सम्मान। एक पिता माँ की संतान, मिले हक सबको सम्मान का मतलब क्या है कि हम सब एक ही पिता माँ की संतान है, सारे इंसान हैं, और इंसान में भेदभाव करना ठीक नहीं है, लेकिन उनके अंदर नफरत फैला जा रहा है और नफरत फैला करके उनको बांटने की कोशिश की जा रही है। इस बंटवारे के हम खिलाफ है, इसलिए कि आवाज़ बनना चाहते हैं इंसाफवादी कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में इस कार्य को करने के लिए अपना संगठन बनाना चाहती है, और इसलिए आज एडवोकेट सलमान अंसारी साहब को और साजिद अंसारी साहब को इसमें शामिल किया गया और इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे ताकि ये लोग जन जन तक संगठन को बढ़ाएं और पार्टी को मजबूती दें। सर जहाँ तक ये इंसाफवादी कांग्रेस पार्टी को देखने मिलता है, कभी आप ये कितने राज्यों में चल रही है, क्या उत्तर प्रदेश में चलेगी या राष्ट्रीय लेवल पे इसको ले जाएंगे? अभी 4 स्टेट में संगठन का काम जो शुरू हुआ है, धन्यवाद है आप लोगों का, 4 स्टेट में काम शुरू हो चुका है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और हरियाणा। चूँकि हरियाणा बहुत जल्दी शुरू हुआ है इसलिए अभी वहाँ चुनाव में नहीं उतर पाए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में झारखंड में चुनाव होने वाला है, वहाँ उम्मीदवार हमारे उतरेंगे, उसके बाद बिहार में भी उतरेंगे, और 2027 में हम मजबूती से विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहेंगे, और अपने उन बेवफा दोस्तों को भी समझाना चाहेंगे कि अब हक की बात होगी, इंसाफ की बात होगी, हिस्सेदारी की बात होगी, पिछड़ों की राजनीति को ख़त्म करेंगे और झूठे वादे करके वोट बटोरने का काम ख़त्म करेंगे, और इसलिए इंसाफवादी कांग्रेस पार्टी अपने संवैधानिक हकूक के लिए, समाज के संवैधानिक हकूक के लिए, उनके अधिकार के लिए लड़ने का काम करेगी, और इस काम की शुरुआत हो चुकी है। सर 2027 में आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? 2027 में हम कितनी सीटों पर लड़ेंगे, हमारा इरादा है हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ेंगे, क्योंकि हम नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी में थे, डॉक्टर मसूद अहमद जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, पूर्व मंत्री, हमारा एक विधायक और एक सांसद भी था बालेश्वर यादव, लेकिन जब पार्टी टूट गई तो सारे कार्यकर्ता बहुत ही मायूस घर बैठे हुए हैं, सारे लोग गाजीपुर से गाजियाबाद तक जुड़ना चाहते हैं, और अगर ये कार्यक्रम हमारा एक साल के अंदर सही रहा तो मैं कोशिश करूँगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में अपने उम्मीदवार खड़ा। तो आप कितने, क्या कहाँ तक अपनी उससे फ्री? सर सर आप जो क्या पैसे से जो अधिवक्ता हैं उसमें, मान लिया अगर कोई गरीब मजलूम आता है तो उसके लिए आप क्या कैसे कर सकते हैं? देखिए, जैसे मैं पैसे से वकील हूँ और पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा, सबसे पहले हम हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, उसके बाद से हमने देखा कि ज़िले में तमाम लोग परेशान हैं, तो मैं ज़िले में इस समय कुशीनगर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों को हम निःशुल्क सेवा देते हैं, और इसी को देखते हुए मैं समाज को, तमाम जो गरीब लोग हैं, मैं उत्तर प्रदेश में किसी भी जनपद में जो भी सुविधा होगी मैं उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे अपने लोगों के द्वारा, और मैं यहाँ से लेके और हाईकोर्ट तक जो भी समस्या होगा गरीब मजदूर का निःशुल्क सेवा देने का। सर जहाँ तक देखने को मिलता है कि बहुत सारे गरीब मजलूम ऐसे होते हैं जिनके पास कोर्ट तक पहुंचने का पैसा नहीं होता है, और
और मान लिया अगर बीच में कहीं मिल भी जाते हैं तो अधिवक्ता लोग उनको परेशान, उनके लिए आप क्या करेंगे? जी देखिए, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, मगर जहाँ तक हमको जानकारी, हमारे पास लोग आते हैं, मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हैं कि कम से कम फीस में उनका ज़्यादा से ज़्यादा मैं उनको निस्तारण करा सके। जी